अलवर में सरिस्का पार्क आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। बता दें कि मानसून सीजन होने के कारण इसे 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने सरिस्का के अंदर सदर गेट, बफर जोन, कोर एरिया के सभी पर्यटक रूट के हिसाब से बनाए गए मार्गों की मरम्मत कराई है। तो वहीं सरिस्का खुलने के बाद पर्यटकों की भीड़ देखी गई, जिसे लेकर हमारे संवाददाता भरत कुमार ने सरिस्का के DFO देवेंद्र प्रताप से खास बातचीत की। खुश और एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, और हमारे सरिस्का में पहली बार है, पर पहली जीप होने का हमको पता नहीं था, पर हम बहुत उत्सुक हैं कि अंदर जाकर वन की सुंदरता देखें और सब पशु पक्षी देखें। कहाँ से आए हैं? हम लोग बम्बई से आए। नाम? अनीशा, अंजलि, अवंतिका, सुजय। सरिस्का बाग परियोजना अपनी देश विदेश में पहचान रखता है, तो वहीं 3 महीने के लिए मानसून सीजन में इसको बंद कर दिया जाता है, तो वहीं आज 1 अक्टूबर को फिर से पर्यटकों के लिए सरिस्का को खोल दिया गया है। तो हमारे साथ हैं सरिस्का के DFO, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब की बार कुछ नया है या कुछ बेहतर करने का प्रयास। जी सर बताइए, अब आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया तो कुछ क्या नया? 3 महीने बंद रहने के बाद में 1 अक्टूबर को पर्यटन सीजन के अकॉर्डिंग सरिस्का टाइगर रिजर्व को खोला गया है। बहुत सारी नई चीज़ें हर टाइगर रिजर्व में हर साल होती हैं, कुछ नए रूट्स भी हमने प्रपोज़ किए हैं, तो निश्चित रूप से जैसे ही उनकी हमें स्वीकृति मिलती है तो नए रूट भी प्रारंभ होंगे। इसके अलावा इस बार जो रजिस्ट्रेशन है जिप्सियों का और कैंटर का, उसमें भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी, कुछ नए कैंटर भी आए हैं और नई जिप्सियाँ भी आई हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि चूँकि पिछले 2-3 सालों से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, तो आगे आने वाले सालों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व ही नहीं बल्कि अलवर जिले के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व न केवल देश में तो विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। सर, जो कोरोना के कारण जो विदेशी पर्यटक उन पर थोड़ा बैन लग गया था, अब की बार कुछ उम्मीद है कि जो विदेश पर्यटक? हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी हुई थी, लेकिन चूंकि अब सामान्य स्थिति हो चुकी है, आप पूरे देश में भी विदेशों में भी सामान्य स्थिति हो चुकी है, इस दृष्टि से लगता है कि अब पर्यटक इसमें रुचि लेंगे और निश्चित रूप से जो प्रकृति प्रेमी हैं वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में घूमने आएंगे। अब की बार कुछ नया उम्मीद है सरिस्का में पर्यटक ज़्यादा? निश्चित रूप से, क्योंकि टाइगर्स की संख्या भी बढ़ी है, टाइगर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ अब कुछ हम नए रूट खोलने का प्लान भी कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से लग रहा है कि पर्यटकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ये थे हमारे साथ सरिस्का के DFO जागवत जी। इनका कहना है कि अब की बार पर्यटक ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं सरिस्का एक देश विदेश में अच्छी खास पहचान रखता है, तो अब पर्यटक भी यहाँ पर ज़्यादा तादाद में